दोस्तों सबसे पहले हम प्लग को ओपन करेंगे। देख सकते हैं हमने प्लग को ओपन कर लिया है और इसको आपको करंट भी आपको चेक करके हम देखते हैं करंट हमारा बाइक का बराबर आ रहा है या नहीं, वो भी हम देखते हैं। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, बाइक का करंट बहुत आ रहा है, अच्छा आ रहा। और आपको यहाँ से भी चेक करा दें, प्लग भी हमारा सही है। देख सकते हैं हमारा करंट बाइक को अच्छा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसका टूल बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको इसका पेट्रोल जो है छिड़काव है उसको चेक करते हैं, हमारा पेट्रोल छिड़काव अच्छा आ रहा है या बाइक में नहीं, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चले, ये बाइक को स्टार्ट करने पर ये माल फंक्शन लाइट है जो हमारा बिल्कुल ऑफ हो जा रहा है, कहीं से भी एरर नहीं दिखा रहा बाइक का बाइक में, और बाइक बार बार बंद पड़ जा रही है और थ्रॉटल देने पे थ्रॉटल नहीं ले रही है, लगता है पेट्रोल नहीं मिला उसे बुदबुदा रही है। चलिए हम दोस्तों हम फ्यूल इंजेक्टर को हम ओपन करते हैं और तेल का छिड़काव देखते हैं कैसा इसका छिड़काव है। तो हम ऐसे 8 नंबर का गोटी लेंगे और ऐसे पाना गिलास के सहारे इसको ओपन करेंगे। चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं। बहुत आराम से निकालेंगे नहीं तो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है जो इसका रबर ध्यान रखे, इसका रबर कट जाएगा तो दिक्कत करेगा। देख सकते हैं अब इसका छिड़काव चेक करेंगे। देख सकते हैं हमारा पेट्रोल देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फ्यूल पंप है जो कि ये थोड़ा गंदे हो चुका है, इसमें जाली जाम है, इसको हम पूरी तरह अच्छे तरह क्लीन करेंगे। खोलते हैं इसको, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको चलिए हम फटाफट ओपन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। जब भी आप ओपन करें थोड़ा ध्यानपूर्वक ओपन करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार लगेगा, ये खांचा जो दिया रखा है देख रहे हैं, ये खांचा और ये खांचा बराबर मैच करते हुए जाएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा फिल्टर पूरा चौक हो चुका है और ये बहुत सारा कचरा हो चुका है, इसके कारण गाड़ी जो है हमारा पिकअप छोड़ रही थी, थ्रॉटल खोजने पर बाइक जो है टोटल नहीं ले रही थी। तो चलिए हम इसको फटाफट क्लीन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कचरा है, ये बहुत सारा कचरा है, आप देख सकते हैं यहाँ, शायद आपको वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कचरे के कारण ये भी हमारा बाइक जो है थ्रॉटल लेने पर पिकअप फील नहीं मिल रहा, वैसे थ्रॉटल नहीं ले पा रही थी बाइक और पिकअप छोड़ रही थी। दोस्तों इसको हम क्लीन करेंगे, क्लीन करने का प्रोसेस ये है कि ये हम थोड़ा ओपन करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक ओपन करें तो अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा पेचकश लगाने पे टूट भी सकता है ये जाली। देख सकते हैं तो हम ओपन कर लेंगे और चलिए इसको फटाफट हम सफाई करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसको भी हम ओपन करके पूरी क्लीन करेंगे, कोई सा पोर्शन नहीं छोड़ेंगे। देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो गया, सिंपल सी है।
चलिए हम मोटर को भी ओपन करेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी कचरा डस्ट जमा हुआ है, देख सकते हैं। इसी के लेकर जो बाइक है हमारा पूरी टोटल लेने के बावजूद भी पिकअप नहीं लेती थी। चलिए इसको भी हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको फ्यूल पंप को पूरी वॉशिंग कर दिया है अच्छी तरह, इसको भी वॉशिंग कर दिया है, जाली वगैरह चौक हुआ था इसको भी साफ़ कर दिया है। चलिए हम इसको फिटिंग करते हैं। देख सकते हैं आपको इस प्रकार फिटिंग कर देना है इसको। उसके बाद ये हम फिट करेंगे, ये देख सकते हैं आप इसमें एक खांचा दिया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये खांचा है, ये वो खांचा आपका यहाँ आएगा, देख सकते हैं ये खांचा यहाँ पे फंसेगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से पुश करेंगे, देख सकते हैं ये बैठ गया हमारा, तो टाइट जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, जाने में बहुत टाइट जाता है। ये हमारा फिल्टर है जो ये इसमें लगा देते हैं, इसमें भी सेम पोजीशन है, इस प्रकार लग गया। और ये हमारा जो है टोटल बॉडी हमारा, इसको जो फिल्टर का शेप में दे रखा है, इसको इसका भी खांचा बना हुआ है, ये खांचा यहाँ फंसेगा, देख सकते हैं, यदि उल्टा पुल्टा हुआ तो नहीं लगेगा, देख सकते हैं ये। ये बैठ गया, चलिए हम फिट करते हैं। देख सकते हैं ये जो है रबर हमारा बराबर बैठना चाहिए, नहीं तो तेल जो है लीक करेगा। दोस्तों आपको बताते चले जाए, इसका जो रबर है उसको बराबर हम बैठाएंगे, उसके बाद हमें इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसमें देखिए, देख सकते हैं दोस्तों हमने लगा चुका है इसको, अब इसमें ये बोल्ट जो है इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आपको लाइफ प्रूफ दिखाएंगे, जो कि बाइक जो टोटल देने पे टोटल नहीं ले रही थी और स्टार्ट भी करने में भी दिक्कत कर रही थी, तो हम इसको फटाफट फिट करते हैं उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा इंजेक्टर, इंजेक्टर में भी काफ़ी सारा डस्ट पड़ गया है, इसको हम फटाफट साफ करते हैं पेट्रोल से। देख सकते हैं कितना डस्ट है, देख सकते हैं ये हमारा जो इंजेक्टर था उसको भी हम
साफ कर लिया है, पूरी तरह वाश कर दिया है। तो चलिए हम इसको फटाफट आपको दिखाते हैं बाइक के पास ले जाकर। ये हमारा इसमें जो है ट्वेल्व वोल्ट का करंट मिलना चाहिए, देख सकते हैं। हम पेट्रोल इसमें डालते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं पेट्रोल हमारा छिड़काव बराबर आ रहा है या नहीं। दोस्तों हमने पेट्रोल इसमें पूरी तरह बाइक में डाल चुके हैं, देख सकते हैं हमने इंजेक्टर लगा दिया है पेट्रोल का। दोस्तों आप देख सकते हैं मारो की देख सकते हैं, इसका छिड़काव देख सकते हैं ठीक मारो। इसका छिड़काव बराबर है हमारा और पेट्रोल भी बराबर हमारा आ रहा है। अब चलिए बाइक को इंस्टॉल करके देखते हैं क्या पोजीशन है, और इसमें लगने के बाद आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है, अच्छा स्टार्टिंग सही हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों फिट करते समय ये ध्यान जरूर दें कि इसका वायरिंग है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो है ये प्लास्टिक का रबड़ का वायरिंग है, वो उसको सही होना चाहिए। यहाँ पर हम इस प्रकार फिट करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा लीक यहाँ से भी रहेगा तो भी हमारा बाइक जो है आवाज़ भुड़भुड़ाएगी, टोटल नहीं लेगी। तो हम इसको भी चेक करेंगे, फ्यूल भी हम सब सही कर लिए हैं और बाइक हमारा पिकअप स्टार्टिंग ठीक हो रहा है। आपको दिखा दे स्टार्ट करके बाइक को की को ऑन करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम चलिए इसको बाइक को की को ऑन करते हैं और बाइक हमारा स्टार्ट करेंगे। हमारा बिल्कुल बाइक स्टार्ट हो रही है और अब आपको हम पूरी तरह इसका साउंड सुना रहे हैं बाइक में, देख सकते हैं। और हमारा जो फोटो नहीं लेती थी पिकअप नहीं छोड़ रही है। इसका जो फिल्टर था वो जाम हो चुका था, चौक पड़ गया था, इसके कारण ये बाइक जो है बंद पड़ जाती थी और टोटल लेने पर नहीं ले रही थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी कभी कभी ये भी होता है, ध्यान देने की बात है, ये भी है, इसको भी देख लेना चाहिए, ये भी लीकेज होता है तो भी दिक्कत आता है। और ये हमारा जो बाइक एंगल सेंसर स्प्लेंडर में दिया रहता है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, बाइक कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको बाइक एंगल सेंसर देखने के लिए। इसमें ECU में सब सिस्टम दे रखा है, देख सकते हैं इसी में इस प्रकार बाइक झुकती है, ये झुकता है तो ये बंद हो जाती है बाइक, तो देख सकते हैं यही है, ये ECU है, इसी में सब कंपनी ने कनेक्ट कर डाल दिया है। और जो स्प्लेंडर प्लस होता है वहाँ टंकी के पास सीट के पास होता है बैक एंगल सेंसर, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ये बाइक इस प्रकार झुकेगी, ऐसे झुकेगा, ऐसे इस प्रकार झुकेगा तो ये बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गया है। इसका फिल्टर भी जाम था तो पेट्रोल पंप का जो फिल्टर है वो भी चौक हो गया था, इसके कारण जो बाइक है पूरी इसमें पेट्रोल सप्लाई इंजेक्टर तक नहीं जा पा रहा था। तो हमने क्लीन कर दिया, ओके कर दिया, फिट कर दिया
और हमारा बाइक जो है पिकअप सही लेने लगी और स्टार्टिंग भी सही हो गया है। चलिए आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे।